यार समझ नहीं आ रहा लंच में क्या खाऊं। तू क्या खा रहा है? पाव भाजी और उपमा। दोनों में से उपमा कौन सा है? पता नहीं। हे, सेम पिंच। मैंने भी छोले भटूरे लिए। ये छोले हैं? मुझे लगा चॉकलेट केक है। इससे अच्छा खाना तो हॉस्पिटल के मरीजों को खिलाया जाता है। तो कोई कुछ करता क्यों नहीं है? सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, 3 हफ्तों में हमारी स्कूल में हेड बॉय का इलेक्शन होगा। जो भी इसमें खड़े होना चाहे ऑफिस में अपना नाम लिखवा दे। सोच क्या रहे हैं? अपना नाम लिखवाइए और स्कूल में बदलाव लाइए। एक और बात, जिसने भी मेरी पैंट चुराई है वो प्लीज मुझे वापस कर दे। मैं जा रहा हूँ। क्यों, शॉर्ट्स लौटाने? नहीं, इलेक्शन में अपना नाम लिखाने, ताकि स्कूल में कुछ बदलाव ला सकूं और किसी को ऐसी पाव भाजी ना खानी पड़े। ये पाव भाजी में खिचड़ी है। कभी तू ऑफिस में जा रहा है ना, मेरा एक काम करेगा, अनाउंसर को उसकी शॉर्ट्स दे देना। मॉम, जल्द ही ये रूम एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बनने वाला है। हाँ, क्यों? क्या मान सिंह जी हमें यहाँ से निकाल रहे हैं? अरे अब क्या कर दिया तुम दोनों ने? अरे नहीं मॉम, मैं तो स्कूल के इलेक्शन में हेड बॉय के लिए खड़ा हूँ, यानी कि स्कूल प्रेसिडेंट। रियली? आई एम सो प्राउड ऑफ यू कबीर, है ना करण? नहीं। मैं बहुत खुश हूँ और देखना तुम ही जीतोगे। वैसे करण, तुम इलेक्शंस में क्यों नहीं खड़े हो जाते? और ट्रेजरर के पोस्ट के लिए तुम्हें तो पैसे कितने पसंद हैं, है ना? जी मॉम, स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग कितनी बोरिंग होती है, और वैसे भी मैं क्लासरूम में बहुत मुश्किल से जाग पाता हूँ। उन मीटिंग्स में स्पीकर से ज्यादा लाउड तो मेरे खर्राटे हो गए। बोरिंग? तुझे पता भी है स्टूडेंट काउंसिल के हर एक मेंबर को फन वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क की तरफ से 1 साल की फ्री एंट्री मिल रही है। और तुझे पता है हमारी मीटिंग कहाँ होने वाली है? हमारी मीटिंग फन वर्ल्ड वाटर पार्क के अंडर वाटर ऑडिटोरियम में होने वाली है। मॉम, अब आप भी क्या याद करोगी? मैं भी स्कूल के इलेक्शन में हेड बॉय के लिए खड़ा होने वाला हूँ। अब तो बहुत मजा आएगा। तू हेड बॉय कैसे बनेगा? तुझे तो स्कूल का रास्ता भी नहीं मालूम। मालूम है ना, स्कूल बस का लास्ट स्टॉप। और इलेक्शन के दिन पे मैं उसी बस स्टॉप पे उतर के तेरी धजिया उड़ाऊंगा। चांस ही नहीं है। तुझे तो सिर्फ शो ऑफ करना आता है। तुझे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुझे कौन वोट देगा, है ना मॉम? मॉम तो मेरे साइड पे है ना मॉम? मैं तो तुम दोनों की साइड पे हूँ। ये तो चीटिंग है। हाँ है तो, लेकिन फिलहाल केक। अब हमारी लिफ्ट पहले से और बेहतर चलेगी। ये अचानक लिफ्ट को बेहतर करने की वजह? इंडियन होटल मैगजीन का ये आर्टिकल। होटल रिपेयर के शहंशाह मिस्टर सचिन चतुर्वेदी। होटल मेंटेनेंस में इनसे बेहतर कौन? कोई नहीं है इनसे बेहतर। छोड़ो सचिन को, अब हमारी लिफ्ट 200% और तेजी से दौड़ेगी। 200% और तेज? 200%? टूलकिट? मैंने लाइटें फिर से खराब कर दी। लाइटें फिर से खराब हो गई। लाइटें फिर से चालू है। लाइट चालू है। चलो। ओके मानसिंह जी, चलो। बिनी बिनी बिनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं स्कूल में हेड बॉय के इलेक्शंस के लिए खड़ा हूँ। वाओ, कांग्रेट्स। तुम्हारे इश्यूज क्या हैं? करण के लिए वोट करे। ये तुम्हारा स्लोगन है। इश्यूज यानी कि जो बदलाव तुम अपने स्कूल में लाना चाहते हो। जैसे तुम किन चीजों के बारे में केयर करते हो? मैं उन लोगों के बारे में केयर करता हूँ जो करण के लिए वोट करे। और मैं हर बार इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और करण को तो सिर्फ फन वर्ल्ड का 1 साल का अनलिमिटेड पास चाहिए। सिर्फ फन वर्ल्ड का ही नहीं, मैं हेड बॉय बनकर लड़कियों को इम्प्रेस भी करना चाहता हूँ।
अगर तुम्हें वोट्स चाहिए और तुम्हें इलेक्शन भी जीतना है तो तुम्हारे पास आइडियाज होने चाहिए। नहीं बिनी, वोट्स उसी तरह मिलते हैं जिस तरह जूते मिलते हैं खरीदने से। नहीं 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 नहीं, वोट्स उन लोगों को मिलते हैं जो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। बिनी बिनी बिनी, तुम कितनी बादाम हो, तुम्हारा मतलब नादान हो। रानी, बिनी को असली दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे एडवाइस के लिए तुम्हारे पास आना चाहिए था। एक मिनट, रानी और पॉलिटिक्स पर एडवाइस प्लीज? ऐसा तो लगता है कि मंत्री एक टाइप का पेड़ है। करण, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे इलेक्शन फन करने के लिए भी। यस। ओया, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ ताकि हम लोगों को बता सके कि वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो इश्यूज के बारे में केयर करते हैं। हाँ। और वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो खूबसूरत और अच्छे कपड़े पहनते हैं। कबीर, चलो तुम्हारे इलेक्शन का प्लान बनाते हैं। करण, चलो तुम्हारे कपड़ों का प्लान बनाते हैं। वोट फॉर कबीर, वोट फॉर कबीर, वोट फॉर कबीर, वोट फॉर कबीर। राजेश, रुक, क्या? ये ले। ये क्या है? ये वो बदलाव है जो मैं हेड बॉय बनने के बाद स्कूल में लाना चाहता हूँ। इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? तुम वोट देने से पहले अपने उम्मीदवार के बारे में कुछ जानना नहीं चाहोगे? नहीं, कम से कम डस्टबिन में तो फेंक के जाता। वैसे ये लिस्ट में नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि स्कूल में और डस्टबिन जाने चाहिए। अरे कबीर, देख कर। ये क्या है? पोस्टर हमारे नए हेड बॉय का। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे वो देने वाली हो। हाँ, बोला था, लेकिन फिर करण ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे एम्बेसडर बनाएगा। एम्बेसडर? किसका एम्बेसडर? कहाँ का एम्बेसडर? अरे वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस वो टी शर्ट से मतलब है। करण और कौन से झूठे प्रॉमिसेस कर रहा है? हाँ? अब तो करण ने हद कर दी। करण, स्कूल पढ़ने की जगह मस्ती करने की नहीं। मेरे काबिल वोटर्स जहाँ कबीर चाहते हैं कि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई हो, मैं चाहता हूँ कि स्कूल में फ्री आइसक्रीम और वीडियो गेम्स हो। जी हाँ, जो मेरे लिए वोट करेगा वो हर क्लास में वीडियो गेम खेलने का आनंद पाएगा और हर हफ्ते गेमिंग चैंपियन को 2 क्लासेस से छुट्टी। और मैं हेड बॉय बनने के बाद सबके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा मांगूंगा। हाँ सीट कबीर, कम से कम तुम तो मुझे वोट दे रही हो। सॉरी, मैं करण को वोट दे रही हूँ क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि जैसे वो हेड बॉय बन जाएगा मैं उसकी महारानी बन जाऊंगी। महारानी? करण, क्या महारानी, एम्बेसडर और कौन सी नकली पोजीशंस बांट रहा है? जोकर के जॉब पे वैकेंसी है, अगर तू अब भी हार मान ले तो तेरी नौकरी पक्की। लगेज को हम देख लेंगे, आप अपना ये स्टे एंजॉय कीजिए। मानसिंह जी, एक्सक्यूज मी। मानसिंह जी, मैं जानता हूं कि लिफ्ट का आइडिया तो चौपट हो गया। चौपट क्यों? अगर लिफ्ट्स की ओलंपिक होती तो हम गोल्ड मेडल तो जरूर जीतते। थैंक यू मानसिंह जी, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी काइंड सर, यू आर वेरी काइंड। और इसीलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राजमहल होटल दुनिया का पहला होटल है जिसके पास फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोटिक लगेज ट्रॉली है। नहीं? हाँ। आओ बेटा, आओ 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 आओ। कैसा लगा सर? अब आपको बेल बॉयज रखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा? हाँ। मतलब मैं जंग बहादुर को वापस उसके गांव भेज सकता हूँ? बिल्कुल, मैं अभी आपको बताता हूँ इसे चलाते कैसे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। टूल किट देखो सर, ये लगेज ऐसे रखा, ये बटन दबाया, ये बना,
वापस बुलाओ, वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। आजा आजा, आओ बेटा, आओ बेटा, आ गया। स्टॉप। ये तो कमाल की चीज है टूल किट सर। ये डबल स्पीड पे भी चलता है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, डबल स्पीड नहीं, डबल स्पीड नहीं। तो फिर इसे रोको ना। सर मैं रोक रहा हूँ। कुछ करो टूल किट। वही कर रहा हूँ सर। कुछ करो। एक मिनट सर, ये रिमोट। टूल किट इसे रोको, ये क्या हो रहा है? ये कर रहा हूँ मानसिंह जी। रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा। लगता है मुझे मैनुअल इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ेगा। और हमें लॉबी में खेलना अलाउड नहीं है। कबीर, आज का तुम्हारा दिन कैसा था? पूरा साइंस क्लब मुझे वोट कर रहा है। हाँ, सुना तुमने? मेरे कैंडिडेट को पूरा साइंस क्लब वोट कर रहा है। बता दो इन लूजर्स को कि वो कितने वोट्स हुए? चार। हाँ, लूजर्स हम नहीं तुम हो। हर कोई लूजर यही कहता है। मैं नहीं जीतने वाला। मुझे पता है मेरे आइडिया सच्चे हैं, लेकिन करण सबको स्कूल में आइसक्रीम, वीडियो गेम्स और लिमोजिन में फ्री राइड प्रॉमिस कर रहा है। और अब तो मैं खुद को भी वोट नहीं करना चाहता। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमें उस रानी को बताना होगा कि वो हर कोई चीज नहीं खरीद सकती और ये इलेक्शन बिकाऊ नहीं है। लेकिन कैसे? हम उनकी वोट्स छीन लेंगे, चाहे इसके लिए हमें चीटिंग भी क्यों ना करनी पड़े। लेकिन ये तो गलत होगा ना? हाँ, लेकिन कभी कभी सच्चाई को जिताने के लिए चीटिंग करनी पड़ती है। किसी को चोट तो नहीं लगी ही ना? वो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। चलेगा। करण के लिए वोट करो, फ्री राजमहल पेन पाओ। लो, तुम भी। हाँ तुम भी। तुम्हारे इस महारानी के लिए कोई स्पेशल पेन है क्या? हाँ हाँ है ना, ये वाली। मैं इस पेन से तुम्हारी महानताओं की कविताएं लिखूंगी। वेरी गुड वेरी गुड, अब इसे शुरू करो, जाओ। देखा मेरी जनता कितनी खुश है मुझ पर। हाँ, तुम देखोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। क्या मतलब? वोट फॉर करण, वोट फॉर लूजर कबीर। धोखेबाज, दगाबाज, चालबाज। हाँ करण, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं आपसे नहीं, मैं कबीर से बात कर रहा हूँ। तुम कबीर से भी इस तरह बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? उसे मेरे सारे पोस्टर्स बिगाड़ दिए। कबीर, गलत बात। अच्छा, वो सारे वोट्स खरीदने की कोशिश कर रहा है। करण, गलत बात। हाँ, चीटर कॉक, लूजर, पट्टू, रोतड़ू, ढक्कन। गलत 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 गलत। तू बस मुझसे जलता है क्योंकि मैं जीत रहा हूँ। तेरे सपने में तूने सबको तेरे में हंसते हुए नहीं देखा क्या? सब कौन? तेरे वो पड़ाकू दोस्त, तेरे चमचे। वैसे तुझे अपनी मूछ और दाढ़ी उगा लेनी चाहिए, कम से कम तेरा फेस तो कवर हो जाएगा। लगता है आज अकेले ही डिनर खाना पड़ेगा। घबराइए मत, मैं तो सिर्फ आपकी खिड़की साफ करने आया हूँ। मानसिंह जी, देखा आपने, ये कितना बेहतर है, तेज और आसान। अरे ये कौन आ गया? अले अले अले, कितना क्यूट है। अले अले अले, वो क्या? वो तो चील है। चील? ये देखो कर, राजमहल के शैम्पू और साबुन। अब पिनिक को पता चलेगा कि रानी कुछ भी खरीद सकती है, इलेक्शंस भी। रानी, तुमने मुझे कबीर की फोटोग्राफ मांगी थी ना, ये परफेक्ट है। वो हम लोग को बच्चा समझते हैं ना,
दिखा देंगे उन्हें कि इस गेम में हम उनके पप्पा हैं और मम्मी। परफेक्ट। मुझे कबीर का एक ऐसा ही फोटोग्राफ चाहिए था। अब हम इसे बर्बाद करके रख देंगे। रानी, तुम्हें नहीं लगता हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? नहीं, ज्यादा तो तब होता जब हम कबीर के हाथ पैर बांध कर उसे डब्बे में बंद करके सात समुद्र पार तिम्बक्तु भेज देते। क्या तुमने पहले किसी के साथ ऐसा किया है? करण, तुम जितना कम जानो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। मानसिंह जी, उस गेस्ट के पैर तोड़ने के लिए फिर से एक बार सॉरी। मैं होटल रिपेयर्स के शहंशाह सचिन चतुर्वेदी थोड़ी ना हूँ। पता है टुलकिट, जब से स्टाफ को तुम्हारे उस ऑटोमेटिक लगेज ट्रॉली के बारे में पता चला है तो उन्हें लगने लगा है कि उनकी नौकरी जो है वो खतरे में है और इसलिए वो 4.5 गुना ज्यादा काम करने लगे हैं। सच्ची? नहीं, अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो टुलकिट। थैंक यू मानसिंह जी, थैंक यू। टुलकिट, कबीर को तुम्हारी मदद की जरूरत है। टुलकिट, हेडबॉय के इलेक्शन के लिए मुझे आज एक स्पीच देनी है। ये मेरा आखिरी मौका है और मैं स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता हूँ कि मैथ्स और साइंस बोरिंग नहीं, मजेदार होता है। देखो, हम जानते हैं कि करण अपनी स्पीच में कुछ बहुत ही धांसू करने वाला है, इसलिए वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए हमें भी कुछ धमाकेदार करना होगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं मेरा ड्रम किट लेके आता हूँ। ये लो साबुन और ये लो शैम्पू, करण को वोट देना, करण कबीर को इलेक्शन में दो डालेगा। कोई मुझे दो डालने की बात क्यों नहीं करता? क्या मेरे इलेक्शन में खड़े होने से किसी को डर नहीं लगता? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इलेक्शन के रेस में खड़े हो। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मैंने अभी अभी डिसाइड किया है। ये ले, मेरा स्टिकर रख ले। ये तो बस एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसके पीछे चिपकने वाला टेप है। कैसे चल रहा है? एकदम ग्रेट, लेकिन शैम्पू तो खत्म होने आए हैं। डोंट वरी, मैं और लेकर आई हूँ। ओह वेरी गुड। वैसे तुम्हें पता है क्या, करण कबीर को इलेक्शन में दो डालेगा। जोक समझ में आया? अरे दो डालेगा। वोट फॉर करण। तो तुम अभी भी वोट खरीदने की कोशिश कर रही हो? कोशिश नहीं, मैं खरीद रही हूँ। और वैसे तुम्हारा कबीर कहाँ है? अब वो आता ही होगा, और जब वो आएगा तो तुम्हारे शैम्पू और साबुन सिर्फ आंसू धोने के काम आएंगे। वोट फॉर कबीर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमारे अनाउंसर यहाँ पे नहीं आ पाए, तो मैं आज के यहाँ पे अनाउंसर हूँ, और जैसे करें इलेक्शन जीत जाए तो मैं उसकी महारानी। तो हमारे पहले कैंडिडेट है राजेश। ओके, थैंक यू, प्लीज शांत हो जाइए। तुम भी ना, ओहो, शांत हो जाइए। हाय, मैं हूँ राजेश और मैं आप सब लोगों का हेड बॉय इसीलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि यार मेरा टीवी खराब पड़ा है और मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, आपका एक एक वोट मेरे लिए जरूरी है। थैंक यू राजेश्वरी। वेलकम बड़े भैया। मेरा भाई है, मेरी बहन है, और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन से निकल रहा हूँ। अरे शांत हो जाइए, तुम भी ना, ओ हो। यार, मैं वैसे भी फन वर्ल्ड में क्या करता, वैसे भी मुझे रोलर कोस्टर में उल्टी आती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का नंबर वन कैंडिडेट और इस महारानी का शहंशाह Thank you. Yeah, welcome. तो स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही है कि मेरे लिए हेड बॉय बनना कितना परफेक्ट होगा। ए
एक ने तो अभी अभी हार मान ली है। तुम भी ना। और कबीर वो तो आने से भी डर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स वोट देने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या आपको एक ऐसा हेडबॉय चाहिए जो सिंपल सी सिंपल मुसीबत पे डर जाए? याद रहे, वोट फॉर करण, वोट फॉर करण, कोई तो रोको। थैंक यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे प्यारे बच्चों, पेश है हमारा नया हेड बॉय जिसकी सोच आसमान से भी ऊंची है, कबीर जायसवाल। तुमने हेलमेट पहना था और तीन तीन अंडरवेयर भी। और अब इस कमाल की एंट्री के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे गौर करें, जैसे कि तुम्हारा फटा हुआ शर्ट। नहीं, जैसे पढ़ाई और एग्जाम्स। जो भी एग्जाम में फेल हो जाए उसे और एक चांस मिलना चाहिए। और अगर हम लोग एग्जाम देते देते डर गए तो? मैं ये सब नहीं देख सकती। एक मिनट बिनी, मैं तुझे बाद में दिखा दूंगी। और हमारे कैंटीन में बार के रेस्टोरेंट्स के काउंटर लगने चाहिए ताकि हमें खाने में और वैरायटी मिले। मैं भी पहले से यही चाहता था, हमारे कैंटीन में बोगस मिले और सब लोग तुम्हारी तरह मंगी गैस पहन सके। बच सकते हैं। मुझे तो इस स्पीच से बचना है। कबीर, अच्छा होगा अगर तुम इस इलेक्शन से साफ-साफ हार मान लो। तुम इसका मजाक उड़ाना बंद करोगे? क्यों? तुम तो पूरे हफ्ते इसका मजाक उड़ाते थे। मैं उसे चिढ़ा सकता हूँ, मैं उसका भाई हूँ, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप लोग ने इसकी बातें सुनी नहीं। चल हट। कबीर के पास बहुत अच्छा आइडियाज है पर मेरे पास कुछ नहीं है। आइसक्रीम्स, वीडियो गेम्स और फ्री लिमोजिन ड्राइव्स का क्या हुआ? वो सब सपनों में, तुम लोग भी है ना गोजो। कबीर जैसा हेडबॉय तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वोट करो तो सिर्फ कबीर के लिए, या फिर वोट मत करो, मैं इलेक्शन से हट रहा हूँ। वोट फॉर कबीर, 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 वोट फॉर कबीर। तुम इसे किसी को भी ना राजमहल का बाथरूम किट नहीं मिलेगा। वोट फॉर कबीर, वोट फॉर कबीर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स और सॉरी, मैंने तेरे पोस्टर पे मूंछ बना दी थी। सॉरी, मैंने तेरा डरने वाला फोटो दिखा दिया। कबीर, अगर मैं तुम्हारे लिए वोट करूँ तो तुम मुझे अपनी महारानी बनाओगे? क्लास मॉनिटर चलेगा? तो मैं कान बजती हूँ? हाँ। तो फिर चलेगा। वोट फॉर कबीर, वोट फॉर कबीर।